हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीता और आप सभी लोगों का स्वागत है रंजीता किचन में। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ कबाब की रेसिपी जो हम सोयाबीन से बनाएंगे और ये बहुत ही सुपर टेस्टी बनने वाले हैं और बहुत ही घर की कम इंग्रेडिएंट से बनके तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सोयाबीन खाना पसंद करते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सोया कबाब बनाने के लिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें सोयाबीन चाहिए, जिसे फ्रेंड्स आप सोया चंक्स भी कह सकते हैं। तो ये मैंने न्यूट्रेला का लिया है, तो आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं और ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ फ्रेंड्स मैंने एक कटोरी ले लिया है, तो मुझे जितना बनाना है तो मैं उतना निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स मैंने एक कटोरी ले लिया है, तो ये मेरे पास छोटी वाली है, तो आपके पास बड़ी वाली हो सोयाबीन तो उससे भी आप बना सकते हैं और इसका सोया कबाब बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम भिगो देते हैं 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने 15 मिनट पहले ही इसको मैंने भिगो दिया था अच्छे तरह से। तो अगर आपको फटाफट बनाना है या टाइम नहीं है तो इसको आप गर्म पानी से भिगो सकते हैं, तो ये फटाफट भीग जाएगी। तो इसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिया था, ये भीग चुकी है अच्छे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए इसको हम 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो हम 2-3 पैंस अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसका जितना भी ये फॉक्स है इसको हमें साफ कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी गंदगी है तो इसको हम फेंक देते हैं और दूसरा पानी हम लेंगे। तो इसको भी हम दूसरे पानी से धुलेंगे। तो इसमें हम 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करेंगे, जिसका इतना जितना फॉक्स है, गंदगी है, निकल जाए और जिससे हमारे कबाब बहुत ही अच्छे बने। तो इससे इस तरह से हमें साफ़ कर लेना चाहिए, जिससे हमारी सब्ज़ी है, कबाब है, कोई भी डिश हम बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसको इस तरह से हम साफ़ कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सोया चंक्स को अच्छे से निचोड़ लिया है, इसका सारा पानी ड्राई कर लिया है। अगर सोया चंक्स में थोड़ा सा ही पानी रहेगा तो फिर हमारे कबाब बनाने में दिक्कत आएगी, सेब बनाने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि सारा पानी इसको ड्राई कर लेना है जितना हो सके। तो चलिए इसको हम एक पीस लेते हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है, तो इसको हम डाल देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने छोला लिया हुआ है, ये उबले हुए छोला है, उसको भी डाल देंगे। तो मैंने हाफ कटोरी लिया है छोटी वाली। इसी साथ ही फ्रेंड्स मैंने ये पुदीना पत्ता डाल देंगे, हरा धनिया, 2 तेज़पत्ता, 2 खड़ा ये लाल मिर्च है। अगर आपको तीखा कम खाना है तो उसको थोड़ा सा कम डालिएगा, अगर बच्चे अच्छे ना खाएं तो 2 डाल लें, जिससे इसको तीखा बनाए और खाने में चटपटी बने हमारे सोया कबाब। तो यही फ्रेंड में ये लहसुन डाल दे रहे हैं, 8 से 10 कलियाँ हैं। और ये 1 इंच मैंने यहाँ पर अदरक लिया है, इसको मैंने कट कर लिया है इस तरह से, और इसको भी डाल देंगे। अब हम फ्रेंड्स इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है, तो बिल्कुल आपको इस तरह से महीन पीसना है। तो ये देखिए, तो तभी हमारे सेब बढ़िया कबाब के बनेंगे। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने निकाल लिया एक बाउल में। तो अब कुछ हम मसाला ऐड करेंगे, जिससे हमारे कबाब और भी टेस्टी बने। तो यहाँ पे मैंने लिया 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी वाला लाल मिर्च पाउडर है, तो ये तीखा बिल्कुल भी नहीं है, बस कलर के लिए ऐड कर दिया है। और इसी के साथ ऐड कर रहे हैं भुना हुआ जीरा, तो भुना जीरा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा कबाब में। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून खटाई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये बिल्कुल ऑमलेट की जैसे इसमें डाले जाते हैं, वैसे मैंने बारीक 1 बड़ा प्याज चॉप्ड कर लिया है, इसको भी हम डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता, हमने ऑलरेडी पहले भी डाल रखा है, इसी के साथ थोड़ा सा नींबू। अगर नींबू आपके पास नहीं है तो मत डालिए, क्योंकि हमने खटाई डाल रखी है ऑलरेडी,
तो ये खट्टे का काम करेगा। स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, साथ ही 2 से 3 बड़े चम्मच ये मैंने मक्का का आटा यूज कर रही हूँ। आपके पास ये ना हो तो चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ऐड कर लेंगे, तो जिससे इसकी बाइंडिंग अच्छी से बन सके और हमारे कबाब अच्छे से बन सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मक्के का आटा या चावल का आटा यूज करने से कबाब हमारे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, करारे बनते हैं। तो की मदद से इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स छोले का प्रयोग किया है। आप चाहे तो उबले हुए आलू हैं या चने दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये देखिए कबाब इस तरह से बन रहे हैं। तो अगर आप ये नहीं बन रहे हैं तो थोड़े से मक्का का आटा या चावल का आटा और यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और डाल ले रही हूँ 1 चम्मच। तो यहाँ पे मैंने 4 चम्मच मक्के का आटा यूज किया हुआ है। अच्छे से मिला के मिश्रण हमारा रेडी है। तो चलिए सेव कर लेते हैं। तो हम थोड़ा सा पानी या ऑयल लगा लीजिए, थोड़ा सा हम पानी लगा लेते हैं इस तरह से, और थोड़ा सा मिश्रण ले लेते हैं। जितना बड़ा बनाना है आपको साइज में उतना हम बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम सेव देंगे, और इस तरह से हम सेव में दे देंगे। तो ये देखिए हमारे बहुत ही अच्छे से कबाब बन रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक के हमने सेब दे दिया, इसी तरह हम दूसरा भी बना के आपको दिखा देते हैं। थोड़ा सा पानी लगाएंगे। तो ये देखिए सेब, आप चाहे कोई भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरह से मैंने दोनों दूसरा सेब भी दे दिया कबाब का। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप टिक्की या कटलेट का भी रोल सेब में दे सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह हम सारे कबाबों को सेव दे दिया है। तो चलिए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तेल को गरम कर लिया अच्छी तरह से। तो फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर हमारे कबाब जल जाएंगे। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं हमारा तेल कितना गर्म हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो चुका है। तो इसी के साथ हम कबाब डाल देंगे। फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे, जिससे हमारे कबाब क्रिस्पी और करारे बने। तो चलिए इनको 1-2 मिनट अभी हम नहीं छेड़ेंगे, इनको ऐसे पकने देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इनको हम पलट देते हैं, उलट पलट करके पकाएंगे मीडियम टू फ्लेम, मीडियम हाई पर। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारे कबाब बन रहे हैं। इसी तरह से उसको हम पकाएंगे, पकने देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सोया कबाब गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। तो चलिए इनको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल नॉन वेज के ऐसे कबाब लग रहे हैं, देखने में लग ही नहीं रहे कि सोया से बने हुए हैं। तो चलिए आपको हम पास से दिखा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारे सोया कबाब कितने ही ब्यूटीफुल बने हैं, और देखने में बहुत ही करारे और क्रिस्पी बने हैं। तो इसी तरह आप भी बनाइएगा। इसी तरह हम दूसरा भी फ्राई कर लेंगे बैच को। तो ये देखिए इस तरह भी शेप में हमने बनाए थे, वो भी फ्राई कर लेंगे। तो हमने दोनों तरफ से बताया फ्रेंड्स, इस तरह आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, तो आराम से आप बच्चों को बना के टेस्टी सोए कबाब बना के खिला सकती हैं। दूसरा बैच भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है साइज से, तो इसको भी हम पलट देंगे।
फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल लो फ्लेम में हम फ्राई करेंगे, तभी हमारे ये सोया कबाब क्रिस्पी बनेंगे, करारे बनेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे कितने अच्छे सोया कबाब बन रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारे सोया कबाब ये भी दूसरा बैच भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सोया कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो हमारे सोया कबाब कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। तो तोड़ के आपको एक दिखा देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस बने हुए हैं। तो इस रेसिपी को आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रमजान कोई भी फेस्टिवल आप बना सकते हैं। और ये टी टाइम स्नैक है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ज़बरदस्त हमारी रेसिपी बनकर तैयार है। इस तरह से हमने सर्व कर लिया है, बहुत ही डिलीशियस लग रही है। तो इस तरह से हम प्याज के लच्छों के साथ सर्व कर देंगे। तो इस रेसिपी को आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे हम हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे, क्योंकि ये हरी चटनी के साथ ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये नींबू के रस निचोड़ के आप खा सकते हैं। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़रूर अपने फ्रेंड्स को साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।